सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने ऐसी वर्कशॉप्स दी हैं टीचर्स को कि जब उनको मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब जो मैंने उन्हें सिखाया ड्यूरिंग द लेक्चर्स, दे डिडंट डिलीवर टू द चिल्ड्रन। हमेशा रम आती है मिस। रियली, आर यू अशेम्ड ऑफ सेइंग ऑल दैट बिकॉज यू हैव नो थ्रेट दिस थिंग फॉर योर चाइल्ड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड? तो वो जिनके बच्चे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन अ डेंजर। वो घर से कदम रखते हैं बाहर तो डेंजर स्टार्ट हो गया है। आपने उसको ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करके डिलीवर करना था। मैं देखती हूँ बच्चा कान में उंगली डाल रहा है, जमाइयाँ ले रहा है, एक सो गया है, एक पता नहीं दूसरे से खेल रहा है। मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। टीचर इज नॉट अलर्ट, टीचर इज नॉट टेकिंग द अटेंशन ऑफ एवरी चाइल्ड, टीचर इज नॉट गोइंग टू टेल देम कि कुछ अलग होने जा रहा है आज बच्चों, आप लोगों के साथ वो नहीं हो रहा, आज आप लोगों के मर्डर होने का दिन है। कोई तवज्जो ही नहीं है। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मदर्स को, फादर्स को, टीचर्स को, जो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक दफ़ा झंझोर ज़रूर दूं, क्योंकि ये बात सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं हो रही, या ये कोई किताबी खाबी बात नहीं हो रही, ये हकीकत पर बेस्ड बात है। मैंने बहुत सुन लिया है कोई इधर हाथ लगाए बेटा तो उसका ये मतलब होता है। अगर आपको कोई ऐसे टच करने की कोशिश करे, कोशिश नहीं करता वो, उसने ठान लिया है कि उसने आज उस बच्चे को मर्डर करना है। इनफैक्ट असली खराबी ये है कि हमने खुद उस बॉम को इमेजिन ही नहीं किया, ऑब्जर्व ही नहीं किया, वो हमारे बिल्कुल हाथों के करीब पड़ा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा। हमने अपने बच्चे को ये बताया ही नहीं कि वो इतना बड़ा बाऊ है। वो कोई मजाक की बात नहीं है, वो सिर्फ किताब की बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बेटा ऐसा होना है, ऐसा होगा। आपकी इतनी सी गफलत, मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पोस्ट अगर कोई है, अगर मैं कोई टाइटल दूं अपने इस सारे सर्कल को जो आजकल एक्टिव हुआ हुआ है, मैंने अटेंड की है वर्कशॉप्स ऐसी टीचर्स की जो कि प्रिंसिपल वाज डिलीवरिंग द लेक्चर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इवन टू डिलीवर वॉट वॉज ऑब्वियस। क्यों हमें शर्म आती है? किस चीज़ की शर्म आती है आपको? जब वो आपके बच्चे को बेलिबास करके उसको अब्यूज़ कर देगा, उसको शर्म नहीं आनी? आपके बच्चे को भी उस वक्त शर्म नहीं आ रही होगी, वो मर जाएगा। आपका, मेरा, किसी का भी बच्चा मर जाएगा। हम लोग उसको ये बताते ही नहीं है कि बेटा तुमने कत्ल हो जाना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपके सामने वो सारा कुछ डिस्प्ले करती हूँ जैसे कि मैंने अपने बच्चे से ये बात की, और मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे ये लेक्चर्स डिलीवर किए, कैसे ये इन्फॉर्मेशन। दो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई टुक 3 to 4 months वन आई वॉज हैविंग लिटिल सेशन विद दैम। एक अनकॉन्शियस फीलिंग होती है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस की फॉर्म में, अपने कैरेक्टर की फॉर्म में उन तक पहुंचानी होती है, उनको डिलीवर करनी होती है, और ये काम बार बार होता है, एक बार से समझ में नहीं आता, इसकी रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेरा बच्चा 8 साल का है और मैंने अपने बच्चे को ये बताया था कि बेटा जिस शख्स ने आपको अकेले में पा लिया है, अब आप अकेले हो, चाहे वो आपकी वैन का ड्राइवर है, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे वो आपकी फीमेल टीचर है, यू शुड नॉट स्टे अलोन विद एनीवन। वो शख्स अगर आपको अकेले में कहीं ना कहीं पर ट्रेस आउट कर चुका है, सबसे पहली हिम्मत आपकी ये है कि आपने वहाँ से भागना है, आपने उसको चक्की काटनी है, आपने उसको मारना कैसे, आपने उधर से भागना है, क्योंकि अब उसने आपको नहीं छोड़ना, अब उसने आपको मर्डर करके छोड़ना है। वो आपके कपड़े उतारेगा, आपको नंगा करेगा, दिस इज़ योर डिसरिस्पेक्ट। करना क्या? अब ये टीचर्स कहेंगे वो आपको ना ऐसे हाथ लगा सकता है, नहीं वो आपको नंगा करेगा। इंसान की इंसान से दुश्मनी का सबसे पहला स्टेप वो उसको नंगा करता है। मैंने उसको ये तक समझाया कि जो आपका क्लास फेलो है, जो आपसे एज में थोड़ा सा बड़ा है, ही विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट विद यू। जो भी बड़े बच्चे स्कूल में होते हैं वो छोटे बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, टीचर्स बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, गार्ड्स बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन, एंड इफ यू फाइंड एनीवन विद बैड इंटेंशन, स्टार्ट स्क्रीमिंग, स्टार्ट फाइंडिंग द पीपल, द मॉब ऑफ पीपल। अगर आप स्कूल में अकेले रह गए हो, डोंट स्टे इनसाइड द स्कूल, गो आउट ऑफ द स्कूल, स्टैंड ऑन द गेट ऑफ योर स्कूल, Try to see all around, क्योंकि कोई भी शख्स आपको एक सेकेंड के अंदर वो कोई भी पॉइजन सुंघा के वहाँ से उठा के ले सकता है। आप राह जा रहे हो, बिल्कुल रास्ते में जा रहे हो, someone can take you on the bike, someone can catch you in the car। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। और इंटेंशन क्या है, ऐसा क्यों कोई करेगा? क्योंकि वो आपको नंगा करेगा और आपको मर्डर कर देगा, नंगा करने के बाद वो आपको मर्डर करेगा। इससे उस बच्चे में पर्दे का जो सेंस है वो बहुत पहले से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको कि पर्दा क्या होता है, क्यों हम अपने आप को हाइड करते हैं। पर्दे की भी एक रिस्पेक्ट है, वो भी वो सीखेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो आपको इस कंडीशन में देखेगा तो। ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिंदगी के, कहानी
ऐसे नहीं कि ये एक कहानी है, ये फिलहाल के साथ ऐसे हुआ था, बड़े स्लो मोड पे आप चल रहे हैं. नो, क्रिएट अ ड्रामा इन फ्रंट ऑफ हिम एवरी डे. यू विल हैव टू क्रिएट अ ड्रामा वाइल स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ योर किड्स. यू विल हैव टू टेल देम स्टोरी आफ्टर एवरी सेकेंड डे कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. और आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है. सबसे पहली बात, बींग पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड बींग एल्डर्स, हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो हम कहते हैं ना, वो कोशिश करेगा, वो कोशिश नहीं करता. आप अपनी मेरी ज़िंदगी उठा के देख लें. जब किसी शख्स ने हमारे साथ बुरा करने की ठान ली थी, क्या हम उसकी बुराई से बच गए थे? नहीं. मैंने पर्सनली एक फरिश्ता सिफत चेहरे वाली खातून से ऐसा मज़े का धोखा खाया, ऐसा मज़े का धोखा खाया. आई एंजॉय इट, क्योंकि अब मैं उसमें से पास आउट कर चुकी हूँ. लेकिन वो उसकी डिटर्मिनेशन थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी. मुझे समझ ही नहीं आई क्यों, क्यों समझ नहीं आती हमें? क्योंकि हम काने, अंधे, बहरे, गुंगे होके बैठे रहते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि ये होगा नहीं कभी, ये होना है, ये होता है, ये हुआ था, ये हमारी आंखों के सामने डेली टीवी में होता है, ये हुआ था, उस बच्ची के साथ हुआ था जिसका नाम ज़ैनब है, हाई प्रोफाइल केस बना था. आजकल जो बच्ची है, जो जिसके वालिद का इस वक्त जो हशर है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते. ये सब कुछ हुआ है ना हमारे सामने. हम लोग, मैं, मेरे ऐसे न्यूमरस चाइल्डहुड के वाकयात हैं जो कि मैं यूँ जैसे था ना, एज से बच्चा बच जाता है, इस तरह से मैं बच गई हूँ. इतने इतने बुरे लोग हमारे इर्द गिर्द, हम गलियों में खेल रहे हैं, खानदान के लोग ही इतने इतने करप्ट हैं. जब हम बड़े हुए, जब मैं बड़ी हुई, देन आई रियलाइज्ड इट कि ये कितने डेंजरस लोग थे, कैसे बच गए हम इनसे. इट वॉज़ अ चांस कि हम बच गए. इंटरनेट का ये दौर नहीं था. इंटरनेट के ऊपर आपको पॉर्न साइट्स कितनी आसानी से अवेलेबल है, और वो पॉर्न साइट्स एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स को किस कदर ट्रिगर कर सकती हैं, और फिर उसके बाद वो इंसान की लिस्ट से निकल जाता है. ये सब कुछ पहले खुद रियलाइज़ करना था. क्या हमें नहीं पता कि सेक्सुअल अराउजल क्या है? क्या हम नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी बला का नाम है? और अगर कोई शख्स तहजीब के दायरे से निकल जाता है, अगर कोई शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तो वो क्या इज्जत देगा आपको, मुझे, मेरे बच्चे को, फलां को, फलां को? उसके अंदर इज्जत है ही नहीं. वो इंसान सिर्फ बज़ाहर आपको नज़र आ रहा है, वो दरिंदा है, वो कचरा है इस सोसाइटी का. उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें दो आंखें चाहिए, एक दिमाग चाहिए, एक नाक चाहिए जो उसकी बदबू को फील कर सके, जो उसके अंदर से उठने वाले ख्यालात को पनप सके. फिर भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम सब समझते हैं. हम सारी तैयारी भी कर ले, मेरे एक टीचर एक मिसाल देते होते हैं, आप लोग फ़ौरन क्वालिफाइड हो जाओ, ड्राइविंग के 70,000 लाइसेंस ले आओ, जो पीछे से आएगा ना, पी के ठोकेगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई आपकी डेक्सटेरिटी, कहाँ गई आपकी स्किल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज चांसेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रूटल एक्ट विच कुड बी डन एनी टाइम, एनी टाइम. और उस एनी टाइम के बाद कोई रिवर्सल नहीं है इसका, इसके बैकअप का कोई चांस नहीं है. वो बच्चा गया तो गया, वो बच्ची गई तो गई. सो सबसे पहली रियलाइजेशन हमें खुद करनी होगी कि जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया, वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत, स्ट्रांग, प्री प्लान्ड हर एक्ट. उसको पता है हम कब मुड़कर देखेंगे, अब कब उसको किक मार सकते हैं, हम कब उसको ठुड्डा मार देंगे, हम कब उसके साथ क्या कर सकते हैं. वो हर चीज़ से अलर्ट है, उसके पास कोई ना कोई हथियार भी होगा, उसके पास ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो हमसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. वो सबसे पहली रियलाइजेशन तो ये है. दूसरी रियलाइजेशन, किस्से कहानियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. डेली सोने से पहले उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई जाए जो रियलिटी बेस्ड हैं. आपको पता है जब ज़ैनब का ये केस चला था, तो उस वक्त उस मर्डरर ने खुद बताया था कि मैंने उस बच्ची को कैसे ट्रैप किया था. आई सेट दिस के इधर मेरे सिक्के गिरे हैं कुछ, आपने देखा, आपको पता है बेटा यहाँ पर मेरे कुछ सिक्के गिरे हैं. तो वो बच्ची ने इस लालच में नीचे देखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर तो सिक्के गिरे हैं, और उसने कह दिया कि जब मिल गए तो मैं आपको दे दूँगा. वो बच्ची दीवाना वार उसके साथ सिक्के ढूंढती रही. यहाँ से उसने उसका ट्रस्ट बिल्डअप किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि आप फलां फलां की बेटी हैं ना, हाँ 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 हाँ, वो आपके अबू गए हुए हैं ना हज पे, उम्रे पे, वो लोग हज पे गए हुए थे उसके पेरेंट्स, या शायद उम्रे पे गए हुए थे. और फिर उस बच्ची ने उसको क्वेश्चंस के आंसर करने शुरू किए, और फिर बड़ी जल्दी उसने उसको बता दिया कि मैं तो आपके फादर का दोस्त हूँ, मैं तो आपके फादर से कई बार मिला हुआ हूँ, तो बड़े नाइस इंसान है, ये है वो है. बच्ची उसकी बातों के ट्रैप में आते 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 भरी सड़क से, चलती सड़क से, कितनी आसानी से वो एक 7 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची छोटी होती है, उसको उड़ा के ले गया ना वो. क्या कमी थी पीछे, क्या इन्फॉर्म नहीं किया गया था उस बच्ची को? अगर उसके पेरेंट्स उसके इर्द गिर्द नहीं हैं, हाउ कैन शी कम आउट ऑफ द हाउस? ये कैसे हो रहा है? मेरे बच्चे कभी भी मेरे बगैर
छत पे अकेले खेलने नहीं जाते हैं। एक बच्चे को एक टीचर 100 रुपये देता था, शायद वीकली देता था या एक दिन छोड़ के एक दिन देता था, और जैसे ही उसका 1000 बना तो उस टीचर ने उसको एक पैगाम दिया कि आई विल टेल इट टू योर पेरेंट्स कि तुम मेरे से पैसे लेते थे और इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। अब जब एक बार अब्यूज़ कर लिया बच्चा तभी पेरेंट्स के पास नहीं गया। अब क्या समझते हैं इस बात को? क्या उस बच्चे के कत्ल में, उस बच्चे के अब्यूज़ में मेरा आपका कोई हाथ नहीं है? हम बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों को सच बोलने का चांस ही नहीं देते? हमें तमीज़ ही नहीं है इस बात की कि बच्चे को अपने प्रेशर के अंदर बड़ा नहीं करना, उसे उड़ने देना है, उसे उसके फैसले करने देने हैं, उसकी बात सुननी है। हमारा बच्चा बोल रहा हो, हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अरे चुप करो तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे। वी आर नॉट ह्यूमंस। हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही कि ये हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं बने, ये हाथ उसका शोल्डर थपथपाने के लिए बने हैं, ये हाथ उसकी इज्जत करने के लिए बने हैं, ये हाथ, ये कान, ये नाक, ये होंठ, ये सब कुछ उसके इर्द गिर्द फिरने के लिए बना है। ये उस बच्चे को सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर लाइफ तसव्वुर करते हुए, उसकी कदर करते हुए, वो आपके हाथ लग गया है, वो बच्चा आपका बच्चा है। इट्स अ बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ योर लाइफ अगर आपका कोई बच्चा है तो। अगर नहीं यकीन आता आपको मेरी बात पे, तो ऐसे बेऔलाद जोड़ों से कभी मिले आप, उनको किसी भी कीमत पर सिर्फ औलाद चाहिए होती है और हमारे पास हो जाती है, हमसे वो नहीं संभाली जा रही। इट लुक्स वेरी बैड व्हेन समबडी टॉक्स अबाउट द प्राइवेसी ऑफ समवन्स हाउस, लेकिन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब आप अपनी मिसाल देते हैं ना, तो यू टेक अ स्टेप, अ बोल्ड स्टेप। हम लोग रात को सोते हैं ना, तो मेरे बच्चे को बाथरूम जाना है, अब उसने लास्ट ग्लास जो वाटर पिया है मैं देख रही हूँ, मैं तो उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, ही हैज़ टू गो टू वॉशरूम, और फ़ौरन से मेरे हस्बैंड ने उसको मना कर दिया, नो तुम फिर जा रहे हो। मैंने फ़ौरन से स्टैंड लिया, आई स्टूड अप, आई सेड यू आर अलाउड टू गो टू वॉशरूम, यू आर अलाउड टू ड्रिंक वाटर व्हेन एवर यू विश, यू हैव अ राइट। ऐसा मेरे घर में दिन में कई बार होता है, जिससे हम हस्बैंड वाइफ आपस में किसी भी तरह की हार्श लैंग्वेज यूज़ कर भी लें तो भी वी रियलाइज इट लेटर। मैं अपने बच्चे के राइट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये मैंने तब से सोच लिया था, जब से बींग अ चाइल्ड मैं क्रश होती थी, मैं इंसल्टेड फील करती थी, जब मुझे मेरे राइट्स नहीं दिए जाते थे, तब मैं ये सोचती थी कि अगर ज़िंदगी में कभी मैं माँ बनी तो आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई चाइल्ड। हमें इस पॉइंट को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे पैदा होने के बाद हमारे पास उनके लिए कोई वक्त नहीं होता। मेरी इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं होता। और जब कभी भी हम बच्चों के साथ बैठे भी होते हैं, तो हम उनके साथ खेल नहीं रहे होते, हम उनको कोई ना कोई पट्टी पढ़ा रहे होते हैं, कोई ना कोई अकीदा उनके दिमाग में घुसा रहे होते हैं, बेटा ये अच्छी बात होती है, ये बुरी बात होती है। बच्चा हमसे छुपता फिरता है, हम उन्हें बटन दबाने वाला बंदर बना रहे हैं। हम चाहते हैं हम बटन दबाएं वो एक्ट करें, हम बटन दबाएं वो हमारी बात माने। कहना मानो, ये वर्ड्स मेरे घर में कभी नहीं बोले जाते, आई हेट दीज वर्ड्स, कहना मानो। क्या कहना माने वो आपका, क्यों कहना माने? ही इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड टू से येस टू यू और मी, इसलिए नहीं आया वो दुनिया में, वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आया, और हम जैसे लोगों की खुशनसीबी है कि वो हमारे पास आया है। बच्चों का सबसे बड़ा हक ये है कि उनके अपने पेरेंट्स, कोई दूसरा नहीं सिर्फ पेरेंट्स, उनसे दोस्ती, मजाक, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता बनाए। बात बात पर मजाक, हंसी मजाक करना, सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करना, ऐसे चांसेस को क्रिएट करें जो कि पार्टी का समा हो। एक आम सा रोटी सालन जो हम खाने बैठे हैं, अगर उसको पार्टी का, पिकनिक का नाम दे दिया जाए, या उसके बाद छोटी सी एक सेलिब्रेशन, आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा, ये छोटी छोटी खुशियां बच्चों की, कोई भी गिफ्ट डेली बेसिस पर उनको मिलना चाहिए, कुछ भी नया उनकी ज़िंदगी में डेली बेसिस पर होना चाहिए, ये उनका हक है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल रही है पैसों की, ताकि कोई शख्स उन्हें पैसे का लालच ना दे सके। उन्हें पता होना चाहिए कि क्वालिटी टाइम उन्हें मिल रहा है अपने पेरेंट्स का, ताकि कोई शख्स उनसे दोस्ती का लारा लपा लगा के उन्हें झांसा ना दे सके। उन्हें पता होना चाहिए दैट दे आर गेटिंग द बेस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर पेरेंट्स, ताकि कोई दूसरा चांस ना मार सके उन पर। उन्हें पता होना चाहिए चाहे कोई शक्ल से कितना भी खूबसूरत नज़र आ रहा है, कितना भी सूटेड बूटेड है, कितनी भी अच्छी गाड़ी में आया है, वो उनका दोस्त नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए अजनबी अजनबी होता है और अपना अपना होता है, और अपनों में भी कैटेगरीज होती हैं। अपना अपने पेरेंट्स के अलावा कोई दूसरा नहीं होता, चाहे आपके पेरेंट्स उन पर भरोसा करते हैं। मैं अक्सर अपने बच्चे से सवाल पूछती थी कि अगर फलां फलां आपको लेने आ जाएं, वो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स होते थे, उनके नाम लेकर, तो व्हाट विल यू डू, विल यू गो आउट ऑफ द स्कूल एंड गो टू दैट पर्सन विद दैट पर्सन? वो बोलता था नो मामा, तो मैं कहती थी शाबाश बेटा, दिस इज़ द राइट वे टू थिंक। वक्त से पहले बच्चे को हर सिचुएशन का अंदाज़ा होना चाहिए, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कोई गार्ड या कोई भी शख्स अगर उसे हाई कर रहा है तो वो अच्छा नहीं कर रहा। हमें खुद भी ये कॉन्सेप्ट बड़े बच्चों को भी देना चाहिए, दैट इफ़ somebody इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ही और शी इज़ हैविंग डेफिनेटली समथिंग इन हिज माइंड। मेरी अपनी बहुत करीब से देखी हुई एक स्टोरी है जो मैं आपसे जाते जाते शेयर करूँगी। बच्ची को इशूज़ थे, अपने ही घर के अंदर
एक मोतबर अंकल से। उसने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, उसकी माँ ने जूते से उसकी पिटाई की, और ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, या उसने ये कहा कि ये कितने लोगों को बता चुकी हो। वो बच्ची बहुत तकलीफ में थी, डरपोक थी, बात वहीं पर दब गई, और लेटर ऑन वो ऐसे ही किसी शख्स के साथ ब्याही भी गई जिसकी रेपुटेशन उस ख़ानदान में अच्छी नहीं थी, और उसे उसी के पेरेंट्स ने उस शख्स के साथ सिर्फ इसलिए ब्याह दिया कि अब तो वो दागदार हो चुकी है। मेरे आज के वीडियो को सीरियसली लीजिएगा। बुरा वक्त आने से बहुत पहले अपने बच्चों से दोस्ती करें, अपने बच्चों को अपनी ज़ात का महवर समझें, अपनी ज़िंदगी का महवर समझें। ये बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ये बच्चे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, हम लोग इनको फेंक देते हैं, हमारे पास इनके लिए वक्त नहीं होता, और जो वक्त होता है वो नसीहत में गुजार देते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक बोरिंग लेक्चर्स, दे वॉन्ट फ्रीडम इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। अगर आप इन्हें ये दो चीज़ें नहीं दे सकते, एटलीस्ट उन पर ट्रस्ट ही करें, उनकी सारी फजूल फजूल बातों को पूरे दिल और दिमाग से हैप्पी जेस्चर्स के साथ हर रोज़ सुना करें। उन्हीं से आपको पता चलेगा आपके बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हार्श भी है, सख्त भी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आई होप आप लोग इसको सीरियसली लेंगे, और अपने जहाँ तक भी आप इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, हर बंदे को, हर लड़का लड़की को ये सिखाएं। और प्लीज़ ये बात अब समझने का वक्त आ गया है कि ट्राई टू ट्रस्ट योर ओन किड्स इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स। आपका बच्चा अगर आपको कोई बता रहा है, आके बात किसी की बता रहा है, तो अल्लाह का वास्ता उसे सुन लें। वो आपसे सच बोलता हो सकता है, वो हो सकता है आपको सही बता रहा हो कि फ़लाँ अंकल मुझे इस तरह से टीज़ करते हैं, या वॉट एवर। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फैमिली मेम्बर्स के हाथों में खेलते 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 जवान हो जाते हैं, और वो साइको हो जाते हैं। मेरी क्लास में एक ऐसी बच्ची थी जिसके कपड़े उसका अपना ड्राइवर चेंज करता था, और वो बच्ची पागल हो चुकी थी। एनी हाउ, मेरे वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें इसी मैसेज के साथ, कि अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और मुझे, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हम सबकी औलाद की इज़्ज़तों की हिफाजत करें, हम सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत करें, और सबसे बढ़कर हमें तौफीक दे कि हम इंसान की इज़्ज़त कर सकें। जब हम किसी के बच्चे की इज़्ज़त करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला भी गिव बैक करता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।